ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इन जावा। यहाँ पे जो हम लोग सी में, सॉरी सी प्लस प्लस में जो हमने उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग को इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिल जाता है। ओके, इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इनहेरिटेंस है, ठीक है, इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टीज, मीन्स उसके वेरिएबल्स और फंक्शंस, वेरिएबल्स और मेथड्स, दोनों के दोनों हम लोग एक्वायर कर सकते हैं दूसरे क्लास में। मतलब हम लोग अगर एक क्लास में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर कोई मेथड हम लोग वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उस मेथड को और उस वेरिएबल को हम लोग किसी दूसरे क्लास में भी एक्सेस करवा सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करवा सकते हैं? हम लोग को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज करना होता है। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मीन्स यहाँ पे एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनेगा, हम लोग उसको इज ए रिलेशनशिप बोलते हैं। द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा इज दैट यू कैन क्रिएट न्यू क्लासेस दैट आर बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। वेन यू इनहेरिट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, यू कैन रीयूज मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। मोर ओवर, यू कैन ऐड न्यू मेथड्स एंड फील्ड्स इन योर करंट क्लास ऑल्सो। ठीक है, इसके पीछे जो एक मेन फंडा था वो क्या था? कोड को रीयूज करना। हम लोग यहाँ पे एक क्लास में हम लोग कोई भी मेथड बना सकते हैं और उस मेथड को उस क्लास के इनहेरिटेंस को यूज करके हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी क्लासेस बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करके ही हम लोग कोड को रीयूज करते हैं। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स द इज रिलेशनशिप विच इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस को इज ए रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि वॉट इज ए रिलेशनशिप इन जावा, इस टाइप से, तो हम लोग को वहाँ पे इनहेरिटेंस ही लिखना है। तो यहाँ पे इज ए रिलेशनशिप बोला जाता है इनहेरिटेंस को। एक और रिलेशनशिप होता हैज ए रिलेशनशिप, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग इनहेरिटेंस यूज क्यों करते हैं? ठीक है, इनहेरिटेंस यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं दो चीजों के लिए, फॉर मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर अचीव करना है तो हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। सेकेंड आता है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी जो हमारा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है इनहेरिटेंस की, जिसमें हम लोग एक क्लास में मेथड्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं और दूसरे क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं और अवेलेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक क्लास के प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्वायर करते हैं दूसरे क्लास में, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस। क्लास, ए क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक क्लास को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। मीन्स उसके अंदर जितने, मतलब उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सबके वेरिएबल सेम होंगे, सबके मेथड सेम होंगे, मतलब बिहेवियर सेम होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज है सारी की सारी सेम होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, मतलब जिसकी कॉमन प्रॉपर्टी, उसको हम लोग क्या बना लेते हैं? क्लास बना लेते हैं। ठीक है, लाइक जैसे सोसाइटीज होती है अपने इंडिया में, ठीक है, सोसाइटीज होती है, कोई एक हाई लेवल सोसाइटी होती है, मिडिल लेवल होती है, एक लो लेवल होती है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होते हैं जो, मतलब अपने बराबर, जैसे अपन मिडिल क्लास लोग हैं, तो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो अपने ही टाइप के फैमिलीज के साथ ही रिलेशनशिप वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। मीन्स वैसे ही दोस्त बनाएंगे, थोड़े मिडिल क्लास हों, ठीक है, बहुत हायर हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, जो हाई क्लास रहते हैं
जो अमीर अमीर लोग रहते हैं वो अमीर लोगों के साथ ही रिश्ता रखना पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब उनका लेवल वो ही रहता है। तो इस प्रकार से वहां पे जो उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो क्या बनाएंगे, अपना क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी प्रकार से ही क्या करते हैं, जो जो कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, उसको हम लोग एक बंच बना देते हैं, पैक कर देते हैं, इस कॉमन प्रॉपर्टीज से ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबकी सेम प्रॉपर्टीज होगी, मीन्स उसके अंदर वेरिएबल सेम होंगे और उसके मेथड्स और बिहेवियर भी सेम होंगे, ठीक है। ये एक प्रकार का टेम्पलेट होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है सब क्लास और चाइल्ड क्लास। सब क्लास इज ए क्लास विच इनहेरिट्स द अदर क्लास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। हम लोग इसको क्या क्या बोल सकते हैं, एक सब क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो पेरेंट क्लास से कोई ना कोई प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया होता है, ठीक है, मतलब उसका एक पेरेंट क्लास होगा, पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को वो क्या करेगा, अपने अंदर एक्वायर कर लेगा, ठीक है। लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, मोबाइल यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और वैसे ही बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती जो हम लोग उनसे लेते हैं, ठीक है, मतलब उनकी भी चीजें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी चला लेते हैं, कार चला लेते हैं, ठीक है, तो वो सब हमारे पेरेंट्स के हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेंगे। अब जिस क्लास में एक्वायर करेंगे उस क्लास को बोलते हैं सब क्लास या चाइल्ड क्लास, ठीक है, या तो उसको डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं, या तो एक्सटेंडेड क्लास बोल सकते हैं, या फिर चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। सुपर क्लास इज द क्लास फ्रॉम वेयर द सब क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्लास और ए पेरेंट क्लास, ठीक है। सुपर क्लास या पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास, ठीक है, जिससे हम लोग प्रॉपर्टीज ले रहे हैं और हम लोग एक सब क्लास क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक सब क्लास जो है वो अपने जो प्रॉपर्टीज है वो किसी और क्लास से ले रहा है, ठीक है, जिससे ले रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास, ओके। नेक्स्ट आता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी एज द नेम स्पेसिफाई, रीयूजेबिलिटी इज अ मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट्स यू टू रीयूज द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू क्लास यू कैन यूज द सेम फील्ड्स एंड मेथड्स ऑलरेडी डिफाइंड इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है। रीयूजेबिलिटी जो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम लोग एक जगह कोड कर लें और उसको विद इन द पैकेज हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, विद इन द पैकेज हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब पैकेज का मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलो मैंने एक जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ये ई ड्राइव में मैंने जावा BCA 3 नाम से क्या बनाया है, फोल्डर बनाया, और इसके अंदर पूरी क्लासेस अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो हम लोग इस फोल्डर को पैकेज बोल सकते हैं, ओके। तो हम लोग पैकेज इसको बोल सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पैकेज के अंदर में जो भी क्लासेस बनी है, अगर उसके अंदर जो भी हम लोग मेथड बनाए उस मेथड को हम लोग विद इन द पैकेज किसी भी क्लास में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस लगा के, ओके okay, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, जिससे हम लोग दूसरे क्लास के मेथड्स या फिर वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसके जो भी फील्ड्स होंगे उसको एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका देख लेते हैं सिंटैक्स, द सिंटैक्स ऑफ जावा इनहेरिटेंस। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास, देन उसका सब क्लास नेम, यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड लगाते हैं एक्सटेंड्स, यहाँ पे हम लोग कीवर्ड लगाएंगे एक्सटेंड्स,
देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सुपर क्लास नेम। सुपर क्लास नेम मीन्स जो हमारे एक ऐसा क्लास पहले से जो बना हुआ है उस क्लास को हम लोग इस सब क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करना मीन्स इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग जैसे क्लास डिफाइन करते हैं बस यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है, एक्सटेंड लिखना है, और जिस क्लास को हम लोग इस सब क्लास में एक्वायर करना चाहते हैं उसका हम लोग को यहाँ पे नेम लिख देना है। बस इतना ही हम लोग को चेंजेस करना है, बाकी ये नॉर्मल क्लास जैसा ही सिंटेक्स है, इसका कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हम लोग को अगर किसी भी क्लास को इनहेरिट करना है तो एक्सटेंड के साथ में उस क्लास का नेम लिख देंगे बस। द एक्सटेंड कीवर्ड इंडिकेट्स दैट यू आर मेकिंग ए न्यू क्लास दैट डिराइव्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। द मीनिंग ऑफ एक्सटेंड इज टू इंक्रीज द फंक्शनैलिटी। एक्सटेंड का मीन्स यही होता है कि वो अपनी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर रहा है। मीन्स सब क्लास के अंदर भी कुछ मेथड्स और उसके वेरिएबल्स होंगे, लेकिन एडिशनल किसके साथ किसका ले ले रहा है, वो सुपर क्लास का भी ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज किया जाता है। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जावा ए क्लास विच इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड पेरेंट और सुपर क्लास एंड द न्यू क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड और सब क्लास। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग लगा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। क्लास मैंने लिखा पेरेंट वन। ओके, क्लास मैंने लिखा पेरेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया। ओके, ये मैंने एक क्लास बना लिया और यहाँ पे मैं एक void display एक मेथड बनाता हूँ। मैंने एक मेथड बनाया और यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास पेरेंट, ठीक है, डिस्प्ले, यहाँ पे फिर ऐसा लिख देते हैं डिस्प्ले मेथड फ्रॉम क्लास पेरेंट। ओके, देन उसके बाद हम लोग एक क्लास और बनाते हैं, इसी के अंदर मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास चाइल्ड। देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसमें एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि void display मैं फिर से ना बनाऊँ, इस मेथड को हम मैं इस क्लास के अंदर भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सटेंड्स 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 पेरेंट इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चाइल्ड के अंदर इस पेरेंट को एक्सटेंड कर दिया। मीन्स ये void display जो है अब इसके अंदर भी अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं एक और मेथड बना देता हूँ जिसमें मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट चाइल्ड ऐसे मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रिंट मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दे दिया। अब एक क्लास और बनाता हूँ जिसमें मेन मेथड बनाऊंगा, क्लास डेमो इनहेरिटेंस। ठीक है, और मैं इसी से सेव करूंगा इसको, क्लास इनहेरिटेंस नाम से ही मैं इसको सेव करूंगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले,
डेमो इनहेरिटेंस डॉट जावा, जिसमें हम लोग मेन मेथड बनाते हैं उसी क्लास से ही सेव करते हैं हम लोग जनरली। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हमने ले लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया सी वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड इस प्रकार से, और मैं सी वन डॉट लिखता हूँ डिस्प्ले, और लिखता हूँ सी वन डॉट प्रिंट चाइल्ड, और हम लोग इसको करते हैं रन। हम लोग इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे मैं जावा सी, और यहाँ पे मैं डेमो इनहेरिटेंस डॉट जावा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, और जब मैं इसको रन करूँगा तो डिस्प्ले मेथड और प्रिंट चाइल्ड मेथड दोनों को ये कॉल करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, डिस्प्ले मेथड फ्रॉम क्लास पेरेंट, प्रिंट मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास। लेकिन हमने यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट चाइल्ड ही बनाया है, लेकिन हमने एक्सटेंड किसको किया है, पेरेंट को। मीन्स इसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, सारे के सारे इस क्लास चाइल्ड क्लास से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स मान के चलो कि इसके अंदर की कॉपी एक बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मीन्स ऐसा मान के चलो कि ये पूरा एक क्लास जो है अटैच हो चुका है, मतलब एक साथ हो गया पूरा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी। ये क्लास अलग है, हम लोग चाहे तो ये क्लास अलग फाइल में भी बना सकते हैं, ये क्लास अलग फाइल में भी बना सकते हैं, और हम लोग अलग अलग फाइल के भी क्लासेस को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने इनहेरिटेंस किया, और यहाँ पे एक एग्जांपल बना के भी देखा।